सीजर को आज मीटिंग कराए हुए 59 डेज हो चुके हैं एंड मुझे पता नहीं रॉटवाइलर को सब बोलते हैं कि बहुत एग्रेसिव ब्रीड होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बट यार ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डॉग एग्रेसिव तब होता है ना जब उसे ठीक से सोशलाइज नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास दो रॉटवाइलर हैं यहाँ पे और दोनों ही कितने शांत हैं। सीजर खाना खाने में बिजी है, अभी खाने के टाइम पे तो बिल्कुल बिजी ही रहती है ये, बस खाते रहना। आज इसे प्रेगनेंसी के 59 डेज हो चुके हैं एंड प्रेगनेंसी के टाइम में ध्यान आपको ये देना चाहिए ना, ये ज़्यादा उछल कूद ना करे, ज़्यादा स्टेयर्स पे अप डाउन ना करे, वॉक कराना चाहिए, थोड़ा मोड़ा लाइट लाइट वॉक कराना चाहिए, बट ज़्यादा उछल कूद देखते होंगे कई बार दोस्तों, ऐसा होता है ना कि उछल कूद करने से पपीज जो कई बार ऐसा होता है ना पपीज का डेथ हो जाता है ज़्यादा उछल कूद करने से, इसलिए इसे हमें उछल कूद करने नहीं देना चाहिए, खासकर जब प्रेगनेंसी के 50 डेज प्लस हो चुके हैं तब इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए।